महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में सकेतड़ी महादेवपुर स्थित श्री शिव मंदिर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। बता दें कि इस दिन शिव योग भी बन रहा है, जो कि शास्त्रों के अनुसार अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वालों को अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। श्री शिव मंदिर नवदुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान केडी शर्मा ने बताया कि मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 7 मार्च से होगी। वीरवार शाम से लेकर शुक्रवार शाम तक भक्तों के लिए 150 क्विंटल दूध और फलों की व्यवस्था की गई है। पिछले सालों की तरह इस साल भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक और पुलिस और आध्यात्मिक हर तरह का प्रबंध मैनेजमेंट ने कर रखा है। प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और उन्होंने पहले ही रोडों तक की मोबाइल टॉयलेट की, पानी का, बिजली का सारा प्रबंध ऑलरेडी प्रशासन ने तैयार करके दिया हमें और सारा प्रबंध उनके लिए होगा। बाकी रात को ही लाइनें लग जाएंगी और हम लोग भी लोगों को 12 बजे 7 तारीख 12 बजे हम मंदिर खोल देंगे, जिससे कि ज़्यादा भीड़ ना हो और धक्का मुक्की ना हो। उनको व्यवस्थित करने के लिए हमने दूध और फ्रूट के स्टॉल भी रखे हुए हैं, क्योंकि लोगों का व्रत होता है। हमने 250 क्विंटल दूध मंदिर की तरफ से और 2.5 लाख केला, 80 बोरी बेर और फ्रूट का अनगिनत फ्रूट जो है वो हमारे पास होगा, जो कि यात्रियों के लिए रखा हुआ है। गत वर्षों की तरह ही फूलों की गुफा बनाई जाएगी, मंदिर को फूलों से और डेकोरेटिव लाइटों से सजाया जाएगा और पूजा की व्यवस्था ऐसी है कि एक एक आदमी को मंदिर में जाने का नहीं होगा, इसलिए हमने प्रणाले लगा रखे हैं और 4-5 आदमी इकट्ठे जल जाते हैं और शिवलिंग पे चढ़ता है पानी और लोग भी इससे सेटिस्फाई से। अगर हम एक एक आदमी को मंदिर में जाने दें तो 3-4-5 दिन लाखों आदमी आते हैं, तो इस व्यवस्था से 2-3 साल से पब्लिक भी खुश है कि जी भीड़ नहीं होती है। और बाकी रात को 4 पहरों की पूजा होगी, उसमें लोग भारी रहेंगे, पंडित अंदर जो है सारी पूजा कराएंगे, सबका हाथ लगवा के हम पूजा करते हैं। 4 पहरों की 9 बजे शुरू होगी, 5 बजे तक 4 बार पूजा होगी। लंगर की व्यवस्था किस तरह की होगी? लंगर उस दिन नहीं होता, उस दिन दूध और फ्रूट ही होता है, जितना मर्जी कोई खाए वो सारा होता है। बाकी जो हमारे पुलिस प्रशासन है और ड्यूटी पे लोग हैं उनके लिए हम लंगर की व्यवस्था पैक फूड देते हैं, वो हमने प्रबंध किया हुआ, उनकी पूरी गिनती हमारे पास आ जाएगी, उनको पैक फूड देंगे। वहीं सकेतड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया कि पंचकुला सहित चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली व अन्य राज्यों से श्रद्धालु यहां माथा टेकने के लिए आते हैं। जो भी भक्त यहां शिवजी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। सकेतड़ी मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है, ये पांडवों के समय से यहां पे स्थापित है और यहां पे भगवान शंकर स्वयंभू स्थापित है। यहां पे 2 शिवलिंग है भगवान शंकर के और दोनों स्वयंभू स्वयं प्रकट हो रखे हैं और पांडव कालीन से यहां पे निरंतर इनकी पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ पे दूर दूर से बड़े दूर दूर से भक्त आते हैं और मत्था टेकने, और जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके दूर से आता है उसकी मनोकामना उससे भोलेनाथ उसे पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में विशेष मान्यता है कि जो भी यहाँ पे निरंतर मत्था टेकता है उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, भगवान शंकर उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ में यहाँ पे नाग देवता की गुफा है जहाँ पे स्वयं भगवान नाग देवता विराजमान रहते हैं, तो काल सप्तोष इत्यादि के लिए भी यह गुफा में यह स्थान उपयुक्त है। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हर वर्ष यहाँ काफी विशाल मेला लगता है, दूर दूर से काफी भक्त लाखों की संख्या में आते हैं, भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, दूध दही इत्यादि भगवान को अर्पण करते हैं और व्रत इत्यादि रख के भगवान से अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे हर रविवार और सोमवार को विशेष करके मुख्य रूप से भंडारा चलता है, वैसे तो यहाँ पे निरंतर भंडारा चलता रहता है कई वर्षों से, हर दिन जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था हर वक्त रहती है। और साथ में महाशिवरात्रि और श्रावण में निरंतर यहाँ पे श्रावण मास में खीर पूड़े इत्यादि का भंडारा श्रावण महीने के अंदर चलता रहता है और महाशिवरात्रि पे दूध और फल का भंडारा बहुत विशाल भंडारा यहाँ पे होता है, लाखों संख्या में भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए और उनके मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। पंडित जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पर
शिवलिंग का जो श्रृंगार होता है किस तरह से होता है, बाबा श्रृंगार माना जाता है, लोग दूर से इस श्रृंगार को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे भगवान शंकर का भव्य श्रृंगार वैसे तो हर दिन ही होता है, और विशेष करके आपको बताऊं कि सोमवार और इतवार को श्रृंगार तो हर दिन विशेष ही होता है, लेकिन आप बात करते हैं जैसे महाशिवरात्रि के दिन, उस दिन भगवान को बहुत भव्य महाकाल के रूप में सजाया जाता है, विभिन्न प्रकार के फल फूल पत्र इत्यादि जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से जो कुछ लाना चाहता है उसी के द्वारा यहाँ पे भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है, और श्रृंगार भगवान का बहुत भव्य और शोभनीय होता है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, तो यहाँ पे जो भी आता है उसको मानसिक शांति मिलती है, और उसको यह स्थान बहुत एनर्जी के जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ महसूस हो जाता है कि हाँ मैं अवश्य ही धार्मिक स्थान में हूँ, यहाँ पे भगवान का घर है, वो स्वयं यहाँ पे समूह विराजमान है, अवश्य भगवान हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। गौरतलब है कि पंचकुला से कुछ ही दूरी पर सकेतड़ी गांव में बने प्राचीन शिव मंदिर में इस बार भी महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में हरियाणा सहित अन्य राज्यों से लोग आकर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और माथा टेक बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।